नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नमो घाट पर खिड़किया घाट के पास राजघाट पुल के ठीक बगल में सिग्नेचर ब्रिज वाराणसी में बनने वाला है। उसी को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कहां पर वो बन रहा है और क्या अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इधर आप देख रहे हैं एक राजघाट पुल, जो मालवीय पुल के नाम से भी जाना जाता है, इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि इसी के ठीक बगल में, इसी के समानांतर गंगा नदी पर सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण होने वाला है और कहां पर इसका निर्माण हो रहा है, कहां काम शुरू हो चुका है, उसको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वाराणसी सिग्नेचर ब्रिज का DPR फाइनल होने के बाद इस काम में काफ़ी तेज़ी पकड़ रही है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं मालवीय पुल, और आगे की तरफ चले जाएंगे आप नमो घाट, खिड़किया घाट। यहाँ गंगा नदी पर मालवीय ब्रिज के समान एक नया ब्रिज विकसित किया जाएगा ताकि अपनी मियाद पूरी कर चुके मालवीय ब्रिज पर लोगों का आना जाना और वाहनों का दबाव कम हो सके। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, गंगा नदी में बीच में नाव के द्वारा वहां पर काम शुरू कर दिया गया है। चलिए आपको पास करके दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं नदी में बना CNG फिलिंग गैस स्टेशन सर्विस सेंटर। सामने देख रहे हैं खिड़किया घाट, और इसी के ऊपर देखेंगे तो ये पुराना अंग्रेजों के समय बना मालवीय पुल, जो बढ़ते यातायात के दबाव को काफ़ी दिनों तक सहन नहीं कर पाएगा। फिलहाल इस पर बड़े वाहनों का आना जाना रोक है। चलिए आगे चलते हैं और पास से आपको दिखाते हैं जहां पर काम की शुरुआत हो चुकी है, नए सिग्नेचर ब्रिज का जहां निर्माण होगा। ये सामने आप देख पा रहे हैं नदी में, यहीं पर शुरुआत किया जा रहा है और इस नए सिग्नेचर ब्रिज का और पुराने मालवीय पुल के बीच इनकी दूरी आपकी देखा जाए तो 45 मीटर के करीब होगा। ये आप देख रहे हैं जहां पर ड्रेनिंग का काम शुरू है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट 2017 और 18 में आया था, जिसके देर होने का कारण गंगा में जल परिवहन की योजना और डिज़ाइन में कुछ अड़चनें आ रही थी। अब इसे दूर करने के बाद इस पर काम शुरू हो चुका है। नए बनने वाले ब्रिज की ऊंचाई पुराने मालवीय ब्रिज के समान ही होगी और दोनों के बीच 45 मीटर का फासला होगा। यह 4 चरणों में पूरा होगा। फेज 1 में व्यास नगर काशी स्टेशन की यार्ड रीमॉडलिंग, फेज 2 में DDU व्यास नगर ROB निर्माण, और
फेज़ 3 में वाराणसी काशी व्यास नगर रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछेगी। फेज़ 4 में गंगा के ऊपर सिग्नेचर ब्रिज पर सड़क से कनेक्टिविटी की जाएगी। इधर आप देख रहे हैं नमो घाट। और ज़मीनी रूप में देखा जाए तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। चलिए आपको और पास करके दिखाते हैं। इस बीच आप देख रहे हैं कि गंगा के जल स्तर में कितना कमी आ गया है, ये आप देखेंगे। इधर तो रैंप के और भी नीचे गंगा का जलस्तर जा चुका है। ये देख रहे हैं आप राजघाट पर स्थित पुल और जहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज बनेगा उसके बीच में 45 मीटर की दूरी होगी। फिलहाल ये 2 दिन से यहाँ पर नाव के द्वारा ये काम चल रहा है। दोस्तों इस चैनल पर आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण संबंधी अपडेट हमेशा समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।